कृषि कानूनों में संशोधन के प्रस्ताव पर कैबिनेट में चर्चा चल रही है। आपको बता दें कि आज तक के पास संशोधन प्रस्तावों पर एक्सक्लूसिव जानकारी, सूत्रों के मुताबिक संशोधन प्रस्तावों में एमएसपी को मजबूत करने का वादा हो सकता है। विवाद की सूरत में स्थानीय अदालत जाने का अधिकार दिया जा सकता है। एमएसपी जारी रखने की गारंटी भी दी जा सकती है, तो पराली जलाने पर सख्त कानून में ढील दी जा सकती है। तो आपको बता दें, जो प्रस्तावित संशोधन की बात की जा रही है, जो कि सरकार की तरफ से किसानों को भेजा जाना है, अभी फिलहाल हालांकि चर्चा चल ही रही है कैबिनेट की, लेकिन इस बीच आज तक के पास जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक आपको बता दें, प्रस्ताव में एमएसपी को जारी रखने की गारंटी दी जा सकती है। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं और अशोक सिंघल भी सिंगू बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन सबसे पहले हिमांशु के पास चलेंगे। हिमांशु, ये बड़ी बात सामने आ रही है। देखिए, साफ तौर पर एपीएमसी को लेकर के सवाल उठा रहे थे किसान, और एमएसपी को लेकर वो चाह रहे थे कि लिखित में आश्वासन दे सरकार, लेकिन जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, अगर वाकई सरकार किसी तरह की गारंटी लिखित तौर पर एमएसपी को लेकर दे देती है, तो हम उम्मीद ये लगा सकते हैं कि शायद ये मसला जो है, जो एक डेडलॉक बन गया है, वो सुलझ जाएगा। देखिए, बिल्कुल उम्मीद की जानी चाहिए। कल अमित शाह ने जो है, जो 13 किसानों के प्रतिनिधि आए थे, उनको ये कहा था कि जो सरकार का नया प्रपोजल है, एक बार आप उसको देख लीजिए, उस पर चर्चा कीजिए, और अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि कुछ और आपकी मांगे हैं जो इस प्रपोजल में नहीं आई है, सरकार उन पे भी विचार करेगी, लेकिन डेडलॉक नहीं होना चाहिए। आंदोलन आप वापस लीजिए, सरकार किसानों के हित में सोच रही है और किसानों के लिए हर संभव कदम उठाने के लिए जो है वो तैयार है, लेकिन किसान संगठनों ने ये साफ कर दिया कि तीनों बिल जब तक जो है वो वापस नहीं होंगे, तब तक जो है आंदोलन वापस नहीं होगा। लेकिन बहरहाल उसके बाद किसान संगठन इस बात पे मान गए कि सरकार का जो नया प्रपोजल आएगा उस पे किसान संगठनों के जो 40 रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि हैं, वो बैठक में आते हैं, अपने अपने संगठनों में बात करेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि उनको आगे क्या रणनीति अपनानी है। लेकिन इतना तय है कि आज के प्रपोजल के बाद एक बार जो और है किसान संगठनों की जो है वो सरकार के प्रतिनिधियों से बात होगी। श्वेता, सबसे बड़ी बात यह है कि अमित शाह ने जो है कल की बैठक की अगुवाई की, 5 राउंड की बैठक जो है बेनतीजा रही, लेकिन कल अमित शाह के साथ जब किसान संगठनों के नेता बैठे, उनको ये कहा गया कि आपको लिखित में जो है प्रपोजल दिया जाएगा। ये पहली बार होने जा रहा है कि सरकार की तरफ से लिखित प्रपोजल आएंगे आपके पास, और इसी बात को लेकर फिलहाल कैबिनेट में बैठक चल रही है। अभी पूरी तरह से प्रस्ताव जो है वो सामने नहीं आया है। इस बीच हम चलते हैं अशोक सिंघल के पास। अशोक, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार किसानों से आपकी बातचीत हो रही है, जो खबरें सामने आई है छनकर हमारे पास, खास करके जो खबरें आई हैं उसमें एमएसपी को लेकर सरकार लिखित में कुछ दे सकती है, एपीएमसी को लेकर भी उन्होंने कहा है, और पराली को भी जलाने को लेकर जो कानून है उसमें ढिलाई की बात कही है। आप ये बताइए कि क्या किसान आपको लग रहा है अभी भी एडमेंट है सिर्फ इस बात को लेकर कि हर हाल में तीनों कानून वापस हो, या फिर वो इस पर सोच विचार कर सकते हैं कि अगर किसी तरह की ढिलाई दी जाती है जिन जिन शर्तों कि उन्होंने बात की है, तो आगे ये जो डेडलॉक उन्होंने क्रिएट किया हुआ है उसको एक खत्म करने की दिशा में कुछ सोचेंगे? देखिए, बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो मांगे हैं, चाहे एमएसपी की हो, पराली की हो, ये सेकेंडरी थी इनकी, फर्स्ट मांगे थी तीनों कानूनों को वापस करना चाहिए। सुबह भी मेरी किसान नेताओं से बात हुई सिंघू बॉर्डर पर, उनका साफ तौर से कहना है कि कोई अमेंडमेंट नहीं चाहते हम लोग, अगर सरकार को लगता है उसमें खामियां तो पूरा कानून ही क्यों नहीं वापस कर लेती, नया कानून बनाया जाए, लेकिन ये तीन कानून तो वापस करने ही पड़ेंगे। इसके अलावा एमएसपी की मांग है, पराली की है, मंडियों की है, कोर्ट में जाने का अधिकार है, वो तमाम चीजें तो मांग है ही, लेकिन किसान को लगता है कि सरकार तीन कानूनों को लेकर के जो बातचीत कर रही है, क्लेरिफिकेशन देने की बात कर रही है, अमेंडमेंट की बात कर रही है, वो हमको मंजूर नहीं है। कानून तो वापस करना पड़ेगा और बाकी जो उनकी मांगे हैं उनको भी एड्रेस करना पड़ेगा। तो सिर्फ बाकी चीजों को एड्रेस कर ले और कानून में अमेंडमेंट करे, ये किसान कह रहे हैं हमको मंजूर नहीं है, चाहे कितना भी कुछ हो जाए हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। अभी तो बहुत कम किसान आए, बहुत आने बाकी हैं। आएंगे आपके पास, ये बड़ी अजीब सी एक विचित्र सी स्थिति बन रही है। वो सीधे तौर पर बड़े एडमेंट यहाँ दिख रहे हैं कि उनको कुछ नहीं सुनना है, बस तीनों कानून वापस हो। इस बीच हिमांशु आपसे जानना चाहेंगे, 11 बजे का वक्त दिया गया था कि सरकार की तरफ से प्रस्ताव भेज दिया जाएगा किसानों को, क्या प्रस्ताव भेज दिया गया है? मेरी जानकारी है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, सरकार की तरफ से जो है वो प्रस्ताव भेज दिया गया है। अब जो है
ऑफिशियल प्रस्ताव जो है पहली बार किसान संगठनों को भेजा गया है। अभी तक किसान संगठनों से रिटर्न में मांगा जा रहा था कि आपकी क्या डिमांड है, उन्होंने 37 डिमांड बताई थी। सरकार वर्बल कम्युनिकेशन कर रही थी, वर्बल चीजों को मान रही थी, लेकिन पहली बार सरकार की तरफ से ऑफिशियल जो है वो प्रपोजल भेजा गया है। अभी उस प्रपोजल में क्या क्या चीजें हैं जी, कुछ से थोड़ी देर बाद जो है हम आपको बता सकेंगे, क्योंकि हमें हमारे पास अभी इतनी जानकारी आई है कि सरकार की तरफ से जो प्रपोजल है वो भेज दिया गया है किसान संगठनों को, और अब किसान संगठन सरकार के जो प्रपोजल है उस पर विचार विमर्श करेंगे। हिमांशु, एक क्लारिफिकेशन आपसे चाहेंगे। आपने कहा है कि सरकार की तरफ से प्रस्ताव भेज दिया गया है किसानों को, जो दूसरी बात आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कैबिनेट की बैठक अभी भी चल रही है, और तीसरी बात कि क्या आपको कोई जानकारी है कि इस प्रस्ताव में सरकार ने पॉइंट वाइज क्या कुछ लिखा है या कोई जानकारी इस बारे में? देखिए, कैबिनेट की बैठक जो है अब से कुछ देर पहले जो है वो समाप्त हुई है, लेकिन बड़ी बात यही है कि प्रस्ताव भेजा गया, उसमें क्या क्या पॉइंट वाइज जो है किसानों की डिमांडों को एड्रेस करते हुए सरकार ने प्रपोजल भेजा है, इसकी जानकारी श्वेता अभी नहीं आई है। लेकिन इतना तय है, अब से कुछ देर में हमारे पास वो जानकारी आ जाएगी कि सरकार ने प्रपोजल में क्या क्या भेजा किसान संगठनों के लिए। अब देखना यह होगा कि सरकार के नए प्रपोजल पे किसान संगठन मानते हैं या नहीं मानते। इतना तय है कि अगले राउंड की जब बातचीत होगी तो अमित शाह एक बार फिर से जो है किसान संगठनों से बातचीत करेंगे, क्योंकि 5 राउंड की बैठक बेनतीजा रहने के बाद जो है वो अमित शाह ने कल 6 राउंड की बैठक के लिए जो है वो अगुवाई की थी सरकार की तरफ से। उस बैठक में नरेंद्र सिंह तोमर भी थे, पीयूष गोयल भी थे, लेकिन अमित शाह ने बातचीत की और उन्होंने भरोसा दिया था कि सरकार नया प्रपोजल भेजेगी आपको, आप उस पर चर्चा कीजिए, अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि आपकी कुछ और मांगे रह गई हैं इस प्रपोजल में तो सरकार उस पर भी विचार करने के लिए तैयार है, लेकिन आंदोलन को समाप्त कीजिए, आंदोलन को वापस लेना होगा, और सरकार की कोशिश है जल्द से जल्द आंदोलन खत्म हो जाए और किसानों से बातचीत का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहे। बिल्कुल अशोक, यहाँ पर देखिए साफ तौर पर डे वन से हम ये देख रहे हैं कि सरकार लगातार प्रयासरत है, सरकार लगातार कह रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन यहां पर यह समझने वाली बात है कि हम अशोक के पास जाएंगे लेकिन हिमांशु हमारे साथ बने हुए। हिमांशु, यहां पर डे वन से हम देख रहे हैं कि सरकार जो है वो बातचीत के मोड में है और शुरुआत से ही वो कह रही है कि आप आए, हम बातचीत के टेबल पर बैठने के लिए तैयार हैं, 5 राउंड की बातचीत भी हो गई, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं अब ये क्या फैक्टर है, क्या ये राजनीतिक फैक्टर है जो कि इतना हावी हो गया है कि किसान हर हाल में इस मूड में ही नहीं है कि एक कदम वो पीछे आए अगर सरकार एक कदम पीछे आती है तो? देखिए, एक बार श्वेता अपना सवाल दोबारा से दोहराएंगे क्या? बिल्कुल हिमांशु, मैं ये कह रही थी कि फिलहाल जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें ये लग रहा है कि सरकार डे वन से बातचीत के टेबल पर है, वो तैयार है किसानों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी भी एक प्रस्ताव सरकार की तरफ से फिर भेजा गया है समस्याओं को एड्रेस करते हुए किसानों के, लेकिन किसान यहां पर हर हाल में एडमेंट है, वो एक कदम भी पीछे हटने या डिगने को तैयार नहीं। क्या लगता है, क्या ये पॉलिटिकल फैक्टर है, राजनीति इतनी हावी हो गई है, या फिर क्या लगता है कि किसान बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है सरकार की? देखिए, बिल्कुल जब पहली बैठक हुई थी तो सरकार को ये कहा गया था कि हमारे 37 पॉइंट हैं, हम इसको चाहते हैं कि इसमें संशोधन हो जाए, लेकिन उसके बाद जो है किसान संगठन इस बात को लेकर अड़ गए कि तीनों बिलों को वापस किया जाए, उससे कम पर उनको कोई बात मंजूर नहीं है। लेकिन श्वेता, ये बात मैं बहुत शुरू से कह रहा हूं कि जब किसी चीज को लेकर दो पक्षों के बीच में बातचीत होती है तो उसका समझौता तभी हो पाता है जब दोनों पक्षों को अपनी तरफ से कुछ ना कुछ पॉइंट्स को छोड़ना होता है। समझौता जो है वो कुछ चीजों को छोड़कर इग्नोर करके आगे बढ़ना होता है, और इसीलिए ये कहा जाता है कि नेगोशिएशन टेबल पर जब आप आते हैं तो आपको ये मन बनाकर आना होता है कि कुछ बातें हम छोड़ेंगे, कुछ बातें दूसरा पक्ष छोड़ेगा। लेकिन यहां किसान इस बात को लेकर अड़ गए हैं कि तीनों बिलों को समाप्त करना होगा, इनको वापस लिए बिना वो है आंदोलन जो है वो वापस नहीं लेंगे। सरकार जो है शुरू में ये कह रही थी कि वो किसी भी तरीके के संशोधन के लिए तैयार नहीं है, अब सरकार 5 संशोधन जो है वो लाने के लिए तैयार है और लिखित में दे रही है। पहली बार 5 राउंड की बैठक बेनतीजा निकली, कल की बैठक में कहा गया कि रिटर्न में सरकार की तरफ से दिया जाएगा,
प्रपोजल, तो पहला एक अच्छा कदम सरकार की तरफ से। अब देखना यह है कि किसान संगठन उस प्रपोजल को मानते हैं या नहीं मानते हैं, लेकिन किसान संगठन इस बात में तोड़े हुए हैं कि तीनों बिलों को जो है जब तक वापस नहीं लिया जाएगा आंदोलन जारी रहेगा। बिल्कुल हिमांशु, और कहीं ना कहीं इस बात को किसान संगठनों को भी समझना होगा कि अगर सरकार एक कदम पीछे हट रही है तो कहीं ना कहीं वो भी पूरी स्थिति को समझे और उनके हक में अगर कुछ चीजें जाती हुई दिख रही है तो उसको माने। इस बीच प्रस्ताव से पहले, प्रस्ताव आपको बता दें सरकार की तरफ से भेज दिए गए हैं, लेकिन उससे पहले किसान नेताओं का क्या कहना है ये सुनिए। मीटिंग में कोई नतीजा नहीं निकला। होम मिनिस्टर रिक्वेस्ट किया कि आप हमारा अमेंडमेंट स्वीकार कर लो और कुछ अमेंडमेंट आएगा तो हम भी वो भी स्वीकार करेंगे बाद में, तो हमको लिख के अमेंडमेंट देंगे तो कोई फायदा नहीं है। हम पहले ही बोला अमेंडमेंट हम नहीं चाहिए। मीटिंग की तो की कोई नहीं बनती थी, कल मीटिंग का कोई टाइम नहीं, समय नहीं था। हर बड़ाट में सरकार ने मीटिंग बुलाई भी आप अगर प्रपोजल ले जाए, और प्रपोजल के लिए भी कभी अमित शाह के घर कभी विज्ञान भवन में मतलब दौड़ाते रहे किसानों को। मतलब सरकार की नीयत और नीति में फर्क है, खोट है, हम पहले दिन से बता रहे हैं। सरकार इतनी जल्दी ये बिल निरस्त करने वाली नहीं, क्योंकि कारपोरेट जगत का कुंडा पूरी तरह उनके ऊपर है। वो पूरे देश के अवाम को एक तरफ खड़ा करके कारपोरेट जगत के साथ खड़े हैं। हम कहना चाहते हैं कारपोरेट जगत ने आपको सहारा नहीं देना, जनता के बीच आकर जवाब देना पड़ेगा।